नया आइडिया जनरेट करना है, दैट इज कॉल्ड अ ग्लोबल एक्सपांशन। क्योंकि आपका बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट्स के लेवल को बना देखते हुए मद्देनजर करते हुए उसको बनाया गया, इसीलिए आपको भी अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना कि मैं सिर्फ खाली यहीं पे ओडिशा में रह जाऊंगा, भुवनेश्वर में रह जाऊंगा। ट्राई टू एक्सपांड योर बिजनेस इंटरनेशनली। मिस्टर संजय शाह आज तक कभी अफ्रीका नहीं गए, मगर एक गुजराती इंसान बैंगलोर से सिर्फ ऑनलाइन प्रमोशंस करना स्टार्ट करता है और लगभग 3000 से ज्यादा लोगों की टीम अफ्रीका में क्रिएट कर दिया। मिस्टर अमनदीप सिंह अपने सिर्फ यूट्यूब पे इंग्लिश वीडियोस डालते हैं और 20 कंट्री से ज्यादा लेवल पे अपना कंपनी में मजुमा का अपना एक्सपांड करना स्टार्ट कर दिया। मिस्टर अंजुम पटेल जो हमारे कहीं ना कहीं पे सोशल मीडिया कैंपेन्स चलाते हैं, आज उसकी टीम इंटरनेशनल मार्केट से पहुंच गई। तो दोस्त, आज मेटल से इंटेलिजेंट करिएगा, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस पर काम करना होगा और आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ऑनलाइन के थ्रू प्रमोट करना होगा, जिसके लिए आप लोग ब्लॉग्स लिख सकते हैं। और ब्लॉग को लिखा कैसे जाता है, इसके लिए आप लोग टीम सम्राट सिंह blogspot.in पे जाकर के मेरे ब्लॉग्स को आप लोग कॉपी भी कर सकते हो, देख सकते हो, ताकि आपको आइडिया मिले कि इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में कैसे हम प्रमोट कर सकते हैं। वेल फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द डिजायर नाउ। बहुत हो गया ड्रीम वाला मैटर, ड्रीम वाला मैटर नहीं, अब थोड़ा सा ड्रीम के ऊपर की बात को समझेंगे और डिजायर की बात करेंगे। और इस डिजायर को आप तभी क्वालिफाई कर सकते हो जब आप एडिक्टेड ड्रीमर मशीन बनेंगे। आपको एक मशीन की तरफ काम करना हो, लेकिन इस मशीन का मतलब क्या 24 घंटा खटना है? नहीं दोस्त, लेकिन 24 घंटे एक मशीन की तरह अपने दिमाग में वो ड्रीमर्स की तरह आपको काम करना होगा। और साथ साथ में इन तीनों चीज को पाने के लिए मगर क्वालिफिकेशन बहुत टफ है, और वो क्वालिफिकेशन है विलफुल एम्बिशन एंड डिसिप्लिन। और ये सबसे टफेस्ट काम होगा। आपको मैं फिर रिपीट करता हूं, आपको अगर ऐसा लगता है कि मजुमा का क्लब आपको बहुत सक्सेसफुल कर देगा या इंट्रोडक्शन बोनस कंफर्मस कर देगा, नहीं दोस्त, आपका डिसिप्लिन आपको इस प्रोजेक्ट में सक्सेसफुल करेगा। आप अगर मेरी बात करें, हैप्पी जी की बात करें, यस वी आर वेरी प्रॉम्प्ट। अगर कहीं पर भी, मतलब आज तक का रिकॉर्ड है इस 14 महीनों के अंदर में जितने भी सेमिनार्स वर्कशॉप्स एलडीपी जो भी हुए वो आज तक कभी भी स्किप नहीं हुए। वो जिस डेट पे बोले गए हैं उसी डेट पे उसको डन किया गया। कभी आज तक का रिकॉर्ड है एक सिंगल सेमिनार स्किप नहीं किया गया मेरा। अगर मैं आपको बताया कि मैंने 1321st प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया है, तो कंप्लीट किया है, स्किप नहीं किया। तो दैट इज द रीजन यू हैव टू बी इन योर डिसिप्लिन। मैं फिर बोलूंगा, बिजनेस काम नहीं करेगा दोस्त, आपका डिसिप्लिन बिजनेस के लिए काम करेगा। इज इट ओके विथ यू ऑल? व्हाइल हियर आप लोगों को एंड फॉर दैट, इसमें मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको दूंगा नंबर वन को लेकर के, गूगल को। नंबर वन एक बार होना ये बड़ी बात नहीं है, उस रैंकिंग को मेंटेन करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गूगल सबसे बड़ा एग्जांपल है, जिस दिन से नंबर वन पोजीशन पे आया सेकंड रैंक पे नहीं गया। दैट इज कॉल्ड द डिजायर एंड फॉर दैट आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर लैरी पेज, द फाउंडर ऑफ गूगल इटसेल्फ। वेल, the few more points जिसके अंदर में एक टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू बी एवरग्रीन। पूरे प्रेजेंटेशन के दौरान में आपने एक चीज देखा होगा और इस बात को आप लोग समझना भी, मजुमा को जब आप लोग प्रमोट करने जाओगे, यकीन करना ये प्लान जितना दिखाया गया है अगर इससे और 10 गुना बेहतर भी बना दिया जाए तो भी लोग आपसे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो भी नहीं करेंगे। मैं बताता हूं क्यों। आपने ये जितना सुना समझा देखा इससे 10 गुना ज्यादा भी इसको बेटर बना दें तो भी हो सकता है लोग आपके साथ में काम स्टार्ट नहीं करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि मजुमा बाद में, प्लान बाद में, अचीवमेंट्स बाद में, सपने बाद में, सबसे पहले तो लोग ये देखेंगे, अरे तू कौन है और तुम कौन हो, तुम प्रेजेंटेशन देने में हो कैसे, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्या है। और यकीन करना, आप देखते होंगे जब हम लोग अपना सेमिनार प्रेजेंटेशन करते हैं, हंसते भी हैं, एंजॉय भी करते हैं, पैशन भी होता है, एकदम एवरग्रीन होते हैं। और आपको अगर हम दोनों का बहुत खतरनाक असली रूप देखना हो तो कभी एलडीपी में आना, और खास करके उस दिन आना जिस दिन अगले दिन हमारे यहाँ पे डीजे नाइट होता है, उस दिन देखना ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेनर कौन से, तब आपको हमारा थोड़े का असली रूप दिखाई देगा। इतना नाचते हैं हम दोनों, इतना डांस करते हैं, इतना एंजॉय करते हैं। द रीजन बिहाइंड दोस्त, आज मुद्दा अब बिजनेस प्लान का और इसका नहीं, आज मुद्दा यह है मैं किसके साथ जुड़ने जा रहा हूं, मैं किसके साथ काम करने जा रहा हूं। अरे जब तुम्हारे ही चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, तुम मेरे जिंदगी में कौन सा सुनहरा दिन लेकर के आएगा। राइट, तो ये चीज आपको समझ
समझना जरूरी है और उसके लिए आपको एवरग्रीन रहना होगा. लेकिन इस एवरग्रीन के लिए व्हाट लाइज बिहाइंड और बिफोर अस हार्डली मैटर्स कंपेयर टू व्हाट लाइज विद इन अस. अरे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता यार कि तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है. इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे आगे पीछे क्या हो रहा है. लेकिन एक बात से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है. क्या वो तुम्हारे अंदर में वो बात आ रही है कि मैं करना चाहता हूँ, यस मैं इसको सिखाना चाहता हूँ, मैं इसको समझाना चाहता हूँ. अरे दोस्त इस प्रेजेंटेशन को फील करके देख, ये मेरे सिर्फ मुंह से आवाज नहीं आ रही, ये मेरे दिल, मेरे नाभि, मेरे पूरे खून में से चिंगार की आवाज निकल रही है कि ये किस तरीके से आपको काम करना है. तो तब जाकर के आपके अंदर में एक नया इंसान का रूप आता है एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एवरग्रीन पर्सनालिटी. एक एवरग्रीन रूप के अंदर में आप प्रेजेंटेशन करोगे तब जाके आप सक्षम हो पाओगे. और ये एवरग्रीन प्रेजेंटेशन आपको कहीं ना कहीं पे विन विन सिचुएशन में लेके आता है. और वो क्या है, या तो वो इंसान मजुमा नहीं करेगा मैक्सिमम, या तो वो करेगा. लेकिन एक बात पक्की है, तुम्हारा प्रेजेंटेशन इतना अल्टीमेट था, कम से कम तुम्हारे बारे में और मजुमा के बारे में गलत बात तो नहीं करेगा. मेरी बात समझ आ रही है? तो कहीं ना कहीं पे हर बार बिजनेस को क्लोज करना अचीवमेंट नहीं है दोस्त, बिजनेस को सही तरीके से प्रमोट करना और सामने वाले को निगेटिविटी फैलाने से रोकना भी आपका एक बहुत बड़ा टारगेट हो सकता है. और ये तभी अचीव होगा जब आपका नेचर या स्वभाव एवरग्रीन होगा. नो वन जिंदगी में आज के बाद लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लेम आप अपने आप को करोगे. सबसे बड़ा ब्लेम आप लोग अपने आप को करोगे, वो भी पता है कब, आज के 20 साल के बाद. और 20 साल के बाद का मतलब है 20 years from now you will be the more disappointed by things that you didn't do than by you can or vice versa. आज आप डिसअपॉइंट नहीं होगे दोस्त, आप डिसअपॉइंट होगे आज के 20 साल के बाद जब आपको इस बात का एहसास होगा. ये इंफॉर्मेशन तो आज से 20 साल पहले मैंने ओडिशा में भुवनेश्वर में वो आपका हमारे क्या नाम है उर्मी के अंदर में ऐसा ही एजुकेशन लिया था और उस समय ये सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट होगा. इसीलिए आपको सबसे पहले अब एक ऐसे टीम का रिक्रूटमेंट करना होगा. और यकीन करना, ऐसी टीम मत चुनना, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो, ऐसी टीम को मत चुनना जो तुम्हारे लिए काम करना चाहती है. मेरी बात तो गौर सुनो, लॉजिक समझना. ऐसी टीम को मत रिक्रूट करना जो तुम्हारे लिए काम करना चाहती हो. ऐसे टीम की रिक्रूटमेंट करो जिसके लिए तुम काम करने के लिए इच्छुक हो, तुम्हारा मन करे. एक ऐसी बेहतरीन टीम, उसको देख के तुमको काम करने का मन कर जाए, ऐसा टीम को रिक्रूट करो. लेकिन लोगों को ब्लेम करना बंद करो और अपने आप को इस बात को समझाओ, सबसे बड़ा ब्लेम आपको देना पड़ जाएगा. वेल नाउ और हियर द लास्ट टू मोर स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन. द लास्ट टॉपिक का जो एक पहला स्लाइड बचा है दैट्स कॉल्ड द क्लियर. मजुमा करने का क्लियरिटी बना के काम करना. 100 का 6 आएगा, 20 का 1 आएगा, मेरा 100 रुपया 200 रुपया हो जाएगा, इसका 5 लाख लगा दिया तो उसको 10 लाख मिल जाएगा. ऐसा क्लियर कर, ऐसा कंफ्यूजिंग मैटर पे मजुमा स्टार्ट नहीं करना. यू हैव टू बी वेरी क्लियर फॉर योर स्टार्टिंग ऑफ मजुमा एंड इनवाइटिंग द पीपल इनटू मजुमा. इट शुड बी वेरी क्लियर. चूज अ वर्क दैट यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ. मजुमा तभी करना जब इस पूरे इंडस्ट्री से आपको लगाव हो जाए, जब आपको लगे कि वाकई में यार ये एक बहुत लविंग काम है. आज अगर हम लोग इतनी एनर्जी को प्रमोट कर पाते हैं उसका सिर्फ एकमात्र कारण है हम अपने करने के काम को बहुत प्यार करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं. इसी बेस पे आपको काम करना है. कंफ्यूज होकर के मजुमा में काम नहीं करना, क्लियर थॉट से करना. जिसको भी लेकर के आए हो उसको 100 का 200 हो जाएगा ऐसा बता के नहीं करना. मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, एक ट्रेनिंग इंडस्ट्री के पूरे रोल को जस्टिफाई करते हुए ये काम करने से कंपनी भी विन विन सिचुएशन में होगी और आप भी कल को हजारों साल तक इसको एंजॉय कर पाओगे. इसीलिए ये आपको आज से इस बात का एक मेडिसिन दिया जा रहा है. और उसके लिए आपको क्लियर होना पड़ेगा ये एक एफिलिएट प्रोग्राम ही है, MLM नहीं. ये एक ITES कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल बेस्ड सर्विसेज, MLM नहीं. ये एक एडवर्टाइजिंग पोर्टल बिजनेस है, MLM नहीं. ये आपकी टीम को डेवलप करने का, कंज्यूमर क्रिएट करने का बिजनेस है, ये MLM नहीं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक वंडरफुल लोगों का क्लब बनाने का बिजनेस है, MLM नहीं. ये थॉट डे वन से क्लियर करके ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करना. लास्ट स्लाइड ऑफ दिस एंटायर प्रेजेंटेशन और इसका नाम है इजी.
जिंदगी में कभी कभी बहुत सी छोटी छोटी बातों को आप लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। दोस्त लाइफ में कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इजी बनाना सीखो, इजी चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं, समझ रहे हो? आने वाले टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोग का प्रॉब्लम होता है, सर मेरी अभी सप्लाई से नहीं पटती, मेरा आईडी चेंज करा दो, सर मेरे को सर ने काम ही नहीं करना, सर मैं तो काम करता हूँ मेरा तो काम ही नहीं करता, मेरा बेनिफिट उसको जाता है, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इन बातों को कम करो। तुम्हारी किस्मत को लेकर तुमको छीन जा सकता है क्या? तुम्हारी क्वालिटी को छीन लेता है तुम्हारे से, तुम्हारा सीखने का तरीका को तुमसे छीन सकता है क्या? मेरी बात समझ रहे आप लोगों? आज के बाद से इन कॉम्प्लिकेटेड बातों को लेकर के मजमू में काम नहीं करना। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका ये स्वभाव है तो थोड़ा दिन रुक के काम करना मजमू, लेकिन जब शुरुआत करना तो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को और आसान बना के काम करने की कोशिश करना, आसान चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश मत करना। मेक द वर्क फन फॉर टीम, एज अ विनर इज जस्ट अ लूजर हु ट्राइड वन मोर टाइम। कोई बात नहीं कि आप एक बार फिर नहीं जीत पाए, क्योंकि हर जीता हुआ इंसान भी कुछ पल पहले हार के ही आया हुआ होता है। इसी बात को समझना है। और दोस्त इन पूरे 10 पैरामीटर को फॉलो करोगे, एक बार सब लोग बताइएगा कौन कौन सा पॉइंट था जिसे लिखा है, जिसे लिखा है कमोर, यस कमोर चैंपियन, फर्स्ट पॉइंट।